गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो आज मेरी कंडीशन पे आप मत जाइए, बिकॉज बहुत ज़्यादा ऑयलिंग किया है मैंने कल। थोड़ा नहीं, सिर बहुत ज़्यादा दुख रहा था मेरा। तकरीबन 3:30 बजे रात तक हम तीनों जन जागे हैं, मेरी बेटी, मैं और ये, क्योंकि मेरी बेटी भी नहीं सो रही थी और मेरा सिर तो फटे ही जा रहा था अलग ही लेवल का। तो खैर, अभी एकदम से फ्री बैठी हूँ, बिना नहाए धोए सुबह से। मुझे लगता है हाँ 11 बज गए हैं, पर बैठे हुए हैं। रीज़न ये है कि इस बिल्डिंग में पानी नहीं आ रहा भाई। कल 3 बजे दोपहर से पानी गया है। एक्चुअली मोटर ही बिगड़ गया है। एक बंदे ने बोला मैं 6 बजे आके बना दूंगा, आया ही नहीं। फिर उसके बाद रात को तो बट ऑफिस बनेगा नहीं। उसके बाद अब सुबह देखो, सुबह कोई भी आपके यहाँ उठ के तो आ नहीं जाएगा 7 बजे। तो अभी 11 बज गए हैं, देखते हैं कब आएंगे, क्या प्रॉब्लम है, कैसा है, क्या है, देखते हैं भाई। बहुत किल्लत है, आप समझ जाइए इतने वर्ड्स में। यही सारी चीज़ें हैं अभी फिलहाल तो। और आपने देखा ना, आज ही वो वीडियो लाइव किया हुआ है आंटी के घर, जो हम लोग गए थे, तो फेसबुक पे मैंने शेयर किया हुआ है। तो फेसबुक में एक जन ने बोला है कि नहीं, यानी खून के रिश्ते ज़्यादा बेटर होते हैं। बाहरी वाले कितने भी होते हैं, बाहरी ही होते हैं, और अपने तो हमेशा अपने ही होते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, देखिए सबकी लाइफ अलग अलग है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं, ठीक है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आपको वो चीज़ें बताई। मैंने आपको पहले ही बोला कि मैंने मेरे केस में देखा है कि मेरे खून के रिश्ते जो हैं उनसे ज़्यादा बेहतर मुझे बाहरी वालों लोगों ने समझा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, मेरा वो एक्सपीरियंस है। अब उसके पीछे कितनी चीज़ें हैं वो आपको नहीं पता है, ठीक है। वो जो झेला है ना, उसी को पता है, है ना। मैं सिर्फ मेरे पेरेंट्स की ही बात नहीं कर रही हूँ। मेरे पेरेंट्स ने तो जो किया वो किया ही किया, बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर मैं एक एक करके गिनाने बैठ जाऊंगी ना यहाँ पे, खैर मुझे वो सिंपति गेन करना नहीं है ये सारी चीज़ें क्रिएट करके। बाकी अगर मैं एक एक चीज़ें गिनाने बैठ जाऊँ ना, तो आप खुद ही ये सोचेंगे कि आओ भाई मैं कंधा देती हूँ। आप रोल पहले अच्छे से, जो चीज़ें अंदर की भड़ास है वो निकाल लो। उनका वो कमेंट देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा वो एक चीज़ें हो गई कि मतलब कैसे, किस हद तक कोई कुछ बोल सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मतलब आपके साथ बताऊं मैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, वो आने वाले टाइम में धीरे धीरे आपको पता चलेगा। अभी कैसा है ना, अभी मैं सडन से सारी चीज़ें शेयर कर दूंगी वो नहीं हो पाता है। चीज़ें धीरे धीरे ही जब टाइम जो आएगा, जिस टाइम पे जो होना रहेगा वो चीज़ें हो जाएंगी। तो इसीलिए मैंने सब कुछ अभी छोड़ा हुआ है कि देखते हैं जब टाइम आएगा, जो आएगा आप सबको सब कुछ पता चल जाएगा समय के साथ साथ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं यार, लोग मुझसे बहुत मैच्योरिटी की उम्मीद रखते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, नहीं मैंने मेरा बचपना देखा हुआ है, ठीक है। और जो बच्चे बचपन में ना बहुत मस्ती करते हैं, बहुत वो करते हैं, उसी बचपन में बहुत बड़ी हो चुकी थी, ठीक है। मेंटली मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी थी उसी एज में। जो चीज़ें हमको 20 साल के बाद पता चलती है ना, वो चीज़ें मुझे 12 साल में ही पता चल गई थी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जो कि आपको कैमरे पे, हम अपनी लाइफ कितनी दिखाते हैं यार, ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको 5 मिनट 7 मिनट से ज़्यादा 10 मिनट का दिखाएंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा दिखाएंगे तो बट ऑब्वियस आप देखोगे भी नहीं। तो इतने ही जो कैमरे के पीछे की चीज़ें हैं, इतनी ही चीज़ें आप देख के कैसे डिसाइड कर सकते हो कि जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं कैसी नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। धीरे धीरे आपको टाइम के साथ पता चलेगा क्या है कैसे है। तो चलिए अभी फिलहाल तो देखते हैं पानी कब आता है, क्या होता है, देखते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। यहाँ पे फिर अचानक से बारिश आ गई थी, और इतनी गर्मी में यार अगर ऐसी बारिश हो जाए ना तो मतलब मज़ा ही आ जाता है। वेदर अच्छा हो गया था, बारिश तो बहुत नॉर्मल सी हुई थी पर वेदर बहुत अच्छा हो गया था। मेरी बेटी को ऐसा था कि मुझे बारिश में भीगना है, तो मैंने कहा चलो बारिश में भीग जाते हैं। तो फिर मैं उसको लेके गई, ऑलरेडी पानी ही नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा अच्छा है बारिश में नहा लेगी, तो पानी नहीं है, नहलाऊंगी कैसे मैं उसको। तो नहा लिया उसने अच्छा खासा, और यहाँ पे उसकी छाता आप देखो, अम्ब्रेला को उसने कैसे पूरा लिपस्टिक से कलर पेंट वगैरह सब कुछ कर दिया है।
मतलब बहुत वो सब करती है यार ये सारी चीज़ें, और उसको ना बहुत हर सिचुएशन में ना इन्जॉयमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है यार, और वो ना बिल्कुल मेरी तरह है, मतलब हर एक चीज़ों में अपना इन्जॉय कर लेती है। फिर यहाँ पे हम लोग गए थे शाम को कैरा को लेके पार्क। तो यहाँ पे आप देखो गार्डन में ये बच्चा जो झूल रहा है ना कैरा के साथ, मुझे बहुत दया आ रही थी पता नहीं क्यों। इसको मैंने पूछा कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, तो बोलता है कि मेरी मम्मी तो नहीं है। तो मैंने कहा क्यों, कहाँ गई तेरी मम्मी? तो बोलता है कि मेरी मम्मी तो झगड़ा करके मायके चली गई। सोचो यार बच्चों पर कितना इफेक्ट पड़ता है ना एक पेरेंट्स का इस तरीके से आपस में वो करना। फिर यहाँ पे हम लोग दूध लेने आ गए और दूध लिया, और यहाँ पे कैरा का बात चल रहा था, इतनी भीड़ है मैं कैसे जाऊँगी, इतनी भीड़ है मैं कैसे जाऊँगी, तो वही ऐसा सब बोल रही थी। फिर उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे मैडम की फरमाइश पूरी करने, क्योंकि मैडम का फरमाइश ये रहता है कि मुझे आइसक्रीम खाना है। वो रोज़ बोलती है मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, जब आप पूछोगे कहाँ जा रही हो तो बोलती है कि आइसक्रीम खाने जा रही हूँ, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो फिर हमने उसको आइसक्रीम दिलाई, और आइसक्रीम लेके आने के बाद उसका रिएक्शन देखो कैसे लेके आ रही है। फिर उसके बाद हमने खाई आइसक्रीम, और उसके बाद उसने सेकेंड भी खाया, मतलब मुझे इतना वो हुआ, मैंने उसको बोला कि नहीं अभी सिर्फ एक ही खाना आइसक्रीम दिन में।